नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में दलित युवक की डंडे से मारकर पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के एक गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में एक दलित युवक को भीड़ ने लाठी डंडे से इतना पीटा कि वो मर गया। हिंसक भीड़ महमदपुर गांव में अचानक उग्र हो गई और लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक का हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। कश्मीरी लड़कियों को लेकर अपमानित बयान देने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीरी औरतों को लेकर दिया गया हरियाणा सीएम खट्टर का बयान घृणा योग्य है और दिखाता है कि आरएसएस की वर्षों तक की ट्रेनिंग एक कमजोर, सुरक्षित और दयनीय व्यक्ति के दिमाग के साथ क्या करती है। राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी खट्टर के इस अपमानित बयान की निंदा की है। और घाटी में कर्फ्यू के बाद एक बार फिर से चहलकदमी का नज़ारा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के बाद जनजीवन एक बार फिर से पहले की तरह दिखाई दिया। इलाके के लोग एटीएम की लाइनों में लगे दिखाई दिए। कई जगहों पर बकरीद की तैयारियों के लिए लोग खरीदारी करते दिखे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक मंडी में जानवर विक्रेताओं से बात करते नजर आए।